गौरव दा, पिताजी के बाद इलाहाबाद के जिन जिन गुरुओं से आपने संगीत सीखा उसमें कमला बोस जी का भी नाम है। इसके अलावा आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जो पंडित रविशंकर जी तक पहुंचने से पहले जिन गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिला उनका जिक्र करें, उन्हें कैसे याद करते हैं आप? देखिए शिवेंद्र जी, पहले गुरु तो हमारे माँ बाप होते हैं, जैसे आपको पता है। मेरी माँ का बहुत बहुत सैक्रिफाइस, योगदान, जो भी बोले आप, बहुत रहा है। मेरे पिताजी, उन्होंने बहुत बहुत प्यार से हमको बड़ा किया है, बहुत एक अच्छा स्कूल में उन्होंने भेजा हमको। और संगीत का जब बात आता था, उन्होंने कभी कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ा। तो मेरे पहले गुरु मेरे ताऊ जी, मेरे अंकल श्री जे डी मजुमदार, जो मेरे पिताजी के भी गुरु थे, और हमारे घर में जितने लोगों ने संगीत किया सबके गुरु थे वो। उन्होंने बॉम्बे में म्यूज़िक डायरेक्शन भी किया, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी थे, ऑल इंडिया रेडियो में भी थे, और ही वॉज़ अ वर्सेटाइल म्यूजिशियन। वो डांस भी करते थे, गाना भी गाते थे, वायलिन भी बजाते थे, बैले भी कंपोज करते थे, उनका अपना ऑर्केस्ट्रा था, बहुत बहुत मल्टी फैसेटेड ह्यूमन बीइंग थे वो। सो उनके साथ मैंने शुरू किया। मैं करीब 7 साल का रहा हूँगा जब उनका देहांत हो गया, और उसी के साथ साथ उनके जो डॉटर कमला बोस, हम लोग सब एक ही घर में बड़े हुए हैं, हमारा जॉइंट फैमिली था। तो कमला बोस जी से मैंने गाना सीखा बहुत सालों तक। उसके बाद कमला बोस जी की बहन जे डी मजुमदार जी की जो छोटी बेटी जयश्री रॉय, वो बहुत अच्छा वायलिन बजाती हैं, उनसे मैंने वायलिन का शिक्षा लिया। उसके बाद कमला बोस जी का शादी और जयश्री रॉय जी का शादी होने के बाद जब वो चले गए, तो मैं पापा से, अपने पिताजी से, श्री दोलाल मजुमदार जी से मैंने तालीम लिया बहुत सालों तक। उसके बाद अचानक एक दिन जब मेरे पिताजी को और हमको लगता था कि अभी मुझे थोड़ा एक अच्छा गुरु का ज़रूरत है, एक ऐसा गुरु जो संगीत में, देखिए ऊँचाई एक बात है, पर संगीत का जो, हमारे संगीत का जो गहराई है, उसके साथ परिचय सब लोग नहीं करा पाते हैं आपको। वो कोई कोई गुरु होते हैं जो उसको करा सकते हैं। और अचानक एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी के जो गुरु थे पंडित नंद किशोर विश्वकर्मा जी, उनको ग्वालियर का, और हमारे इलाहाबाद में बहुत एक प्रकांड विद्वान श्री पंडित भोलानाथ भट्ट जी, उनके वो परम शागिर्द थे, वो उनके साथ घर में रहते थे, और ग्वालियर के कशालकर जी से उन्होंने तालीम लिया था, तो बड़े कशालकर जी, तो वो अचानक एक दिन आ गए। और पापा बहुत ताज्जुब, पापा को लगा कि इतने साल बाद, कम से कम हमको लगता है कितना 15-20 साल बाद वो पापा से मिल रहे थे, अचानक एक दिन हमारे घर में आ गए। बेल, तब तो कॉलिंग बेल भी घर में नहीं होता था, वो जो बाहर का जो छिटकनी होता था उसको लोग जोर से बजाते थे, तो हम लोग जाके दरवाज़ा खोलते थे, पापा ने खोला, देखे गुरुजी सामने खड़े हैं, तो पापा ने उनको प्रणाम किया, अरे गुरुजी आप कैसे, तो बोले कि बस आप लोग का याद आया। तो वो जो उनका आना हमारे घर में, और वो हमारे साथ उनका ऐसा लगाव हो गया कि वो उसी दिन से उन्होंने हमको सिखाना शुरू किया, जो कि वो ही वॉज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनको बहुत बहुत नॉलेज था संगीत का, लेकिन उन्होंने कभी किसी को सिखाया नहीं ये सोच के कि मैं खुद ही अभी सीख रहा हूँ। लेकिन मुझे उन्होंने इतना इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, और बहुत सिखाया हमको। हमने उनसे बहुत बहुत रागों का जो समझना कि जो धैवत है भैरव का और जो धैवत है भैरवी का, ये अलग है, दोनों कोमल है लेकिन अलग है, या जो मध्यम और ऋषभ का जो आंदोलन करके, जो ऋषभ पे आंदोलन करके जो साप आते हैं भैरव में, उसमें जो एक गहराई है, उसमें जो एक मेडिटेटिव क्वालिटी है, ये नंद किशोर जी के लिए मुझे उसके साथ उन्होंने उसको, उसका दर्शन उन्होंने मुझे दिया। तो उनके पास काफ़ी सालों तक मैंने तालीम लिया, बहुत अलग अलग तरीके के रागों का, गाने के बंदिशों का, और तराना और ध्रुपद धमार, और वो बंदिश हमको वायलिन में, मैं उसको गाता भी था, वायलिन पे भी बजाता था। तो उन्होंने बहुत बहुत सालों तक करते 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 एक वक्त आया जब पापा को, गुरुजी को, उनको लगा कि अभी इसको एक नेक्स्ट स्टेप का ज़रूरत है, और उसी समय पंडित रविशंकर जी इलाहाबाद आए, और मेरे ताऊ जी श्री नलिन मजुमदार जी ने एक वो होटल रूम में
एक ऑर्गेनाइज किया मीटिंग जहां मैं गया, मैंने जाके भैरव बजाया था, अभी भी मुझे याद है। करीब उन्होंने बोला था थोड़ा सा बजाना, ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा सुनूंगा तुम्हारा और थोड़ा सा सुनने से ही मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने जब बजाना शुरू किया तो बजा के मैं 5-10 मिनट बाद रुक गया, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसे आदेश दिया था। तो उसके बाद उन्होंने बोला नहीं और बजाओ। तो करते 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 करीब हमने 1.5-2 घंटा उनके लिए भैरव बजाया था उनके रूम में, मुझे याद है। बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और उनका गुरुकुल अपने घर में वो कुछ शागिर्दों को रख के उनको तालीम देते थे। और मेरा खुश नसीब ये है कि फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में मैं उनके घर में रहने लगा, 7 साल मैं उनके घर में था। और फिर उसके बाद वायलिन से मैंने सितार में स्विच ओवर करके फिर सितार का तालीम लिया और अभी सितार ही बजाता हूँ और उसका तालीम देता हूँ लोगों को। और उसके अलावा बाकी भी मेरे कुछ शागिर्द हैं जो वायलिन बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, अलग अलग साज बजाते हैं। लेकिन मेरा जो साज जो मुझे मिला फाइनली, जो मेरा साज था वो सितार था। और वो पंडित रविशंकर जी के पास आके वो जो मेरा एक सफ़र था वो वहाँ पे आके पूरा भी हुआ और शुरू भी हुआ। दादा, आपके जरिए हमें पंडित रविशंकर जी की शख्सियत के बारे में इतना कुछ जानने को, इतना कुछ समझने को मिल रहा है, तो गुजारिश यही करूंगा कि उनकी शख्सियत के कुछ और पहलुओं से हमें वाकिफ कराएं। हालांकि ये सुझाव आपका सही है कि हम कभी एक बार फिर से लंबी बातचीत करेंगे जब आपके पास समय हो, और सिर्फ पंडित जी के व्यक्तित्व को लेकर बातचीत करेंगे, गुरु के तौर पर, कलाकार के तौर पर, एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट के तौर पर, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी शख्सियत के कुछ और पहलू। मुझे यही लगता है कि जो एक शब्द है इंग्लिश में डेस्टिनी, और जो आपका जो कहानी है वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, हम लोग खाली उस पर अमल करते हैं, तो वो ऑलरेडी बना हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से हुआ, जैसे हुआ, और मैं तो गया था उनसे वायलिन सीखने और वहाँ जाके फिर मैंने सितार शुरू किया, और किसी को पता नहीं था, मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे घर वाले, किसी को नहीं मैंने बोला था। मुझे खाली लगा कि नहीं, मुझे सितार बजाना है। मैंने गुरुजी को बोला और गुरुजी राजी हो गए, बोले ठीक है, तुमने 1 साल अभी हमारे पास यहाँ थे, तुम पहले बताते, इतना वक्त हम लोग जाहिर नहीं करते, हम पहले ही शुरू कर देते, तुमने क्यों नहीं बताया। हमने कहा गुरुजी मैंने सोचा कि थोड़ा इसको सोच के देखूँ, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा फैसला है, इसीलिए मैंने आपको 1 साल का वक्त लिया। लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, कल मंगलवार है, अच्छा दिन है, हनुमान जी का दिन है, तुम सुबह उठ के नहा धो के नया कपड़ा पहन के तैयार रहना, कल से हम तुम्हारा तालीम शुरू करेंगे। और मेरे पास तो सितार, मिजराब कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने सितार दिया मुझे, मिजराब दिया, और मेरा सारे गामा से एकदम शुरू से तालीम सितार का शुरू किया उन्होंने। उनके पास हम 7 साल रहते थे, वहाँ खाते थे, पीते थे, रहते थे, वो सब हमारा देखभाल करते थे, जैसे एक पिता होते हैं अपने बच्चों का ख्याल करते हैं वैसे वो करते थे। फिर उनके साथ हमने काफ़ी प्रोग्राम में उनके साथ मैंने शिरकत किया, उनके साथ बैठा, काफ़ी उनके प्रोडक्शंस, उनके काफ़ी क्रिएशंस में मैंने भाग लिया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए जब आप ऐसे एक शख्स के साथ आप रहते हैं, संगीत भी आप सीखते हैं और बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलता है, कि आप कैसे लोगों से मिलते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, आप समय पे कैसे अपने को तैयार करते हैं, आप वक्त का कैसे आप रेस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी कुछ। ही वॉज लाइक फॉर मी गोइंग टू एन यूनिवर्सिटी। मैं स्कूल कॉलेज इलाहाबाद में सेंट जोसेफ्स में गया, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने इंग्लिश में फर्स्ट ईयर में एनरोल करके उसके बाद दिल्ली चला आया मैं, फिर उसके बाद किया नहीं, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी यही था, पंडित रविशंकर जी के पास आना। और वो जो तालीम जो मुझे हुआ वो एक ऑलराउंड तालीम उनके पास आके, कि संगीत अगर करना है तो कैसे करना है, क्या करना है और क्यों करना है, ये उनके लिए मुझे मिला। मैं बहुत 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 उनका आभारी हूँ और मैं हरदम उनको याद करता हूँ, अपने गुरु को उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरे सब बुज़ुर्ग, पंडित रविशंकर जी, नंदकिशोर विश्वकर्मा जी, कमला बोस जी, जयश्री रॉय, ये सब इनका आशीर्वाद का जो फल है, आज मैं जहाँ भी हूँ।
दादा अब आप क्या खास सुनाने जा रहे हैं, और गुजारिश करूंगा कि चूंकि पंडित रविशंकर जी की बात हो रही थी तो कुछ ऐसा जो उनको बहुत पसंद आया हो या उन्होंने जिसके लिए आपकी खास तौर पर तारीफ की हो, यानी कुछ ऐसा जिसका संबंध पंडित रविशंकर जी से हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।